ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा सब्जियां हैं। ऐसा सूप सर्दियों के मौसम में अगर गर्मा गर्म पीने को मिल जाए तो बात ही क्या है। इसको बनाना बहुत आसान है दोस्तों। हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू अरोमा ऑफ किचन। आज हमारी किचन में बनाएंगे मिक्स वेज सूप। बहुत आसान रेसिपी है इसको बनाने की और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। एक बार सब्जियों पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ मैंने ली है गाजर, हरा प्याज, ये हरे प्याज का हरा वाला हिस्सा है, बेबी कॉर्न जिनको मैंने स्लाइसेस में गोल गोल काटा हुआ है। उसके बाद हमने ली है बीन्स, मशरूम, प्याज और यहाँ पर मैंने ली है ब्रोकली। इसके बाद हम लेंगे मक्खन, बटर। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले ली है चीनी, नमक, काली मिर्च और ये दो बेस इंग्रेडिएंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लहसुन और अदरक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिक्स वेज सूप। उसके लिए मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, यहाँ मैं नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ और उसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच मक्खन। जैसे ही मक्खन पिघलता है वैसे ही हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना इसमें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डाल लेंगे अदरक। यहाँ पर मैंने लगभग आधा इंच अदरक को बहुत बारीक काटा हुआ है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन। मैंने लगभग 3 लहसुन की कलियाँ ली थी, उनको बारीक बारीक काट लिया था। अब हम इनको सौटे करेंगे 1 मिनट तक। हमको इन्हें सौटे बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है और ध्यान ये रखना है कि जो लहसुन है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए, यानी कि हमको बस उनका कच्चापन हटाना है, उसके अलावा ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है तेज़पत्ता। तो यहाँ पर मैं एक तेज़पत्ता डाल देती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है मिक्स वेज सूप में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सूप बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट वाला बने तो आप इसे ज़रूर डालिए इसमें। तो लो फ्लेम पर ही मैं इनको पका लेती हूँ अच्छे से। तेज़पत्ता भी अच्छे से पक चुका है, देखिए उसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ मैंने जो प्याज ली थी वो डाल दी है और इसी के साथ जो हम हरा प्याज यूज़ कर रहे हैं उसका जो वाइट वाला पोर्शन होता है फ्रेंड्स, उसको भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो जो वाइट वाला पोर्शन है उसे भी मैं अभी डाल लेती हूँ इसी के साथ। और अब हमें प्याज को पकाना है जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमें कोई भी सब्ज़ी ओवर कुक नहीं करनी है, वरना उसका फ्लेवर पूरे सूप के फ्लेवर को ख़राब कर देगा। तो अच्छे से चलाते हुए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को भी पका लेते हैं ट्रांसपेरेंट होने तक। मिक्स वेज सूप को बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है दोस्तों, पर जब रिज़ल्ट आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हम इसमें सारी सीजनल सब्जियां यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए प्याज ने धीरे धीरे कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं सब्जियाँ। तो यहाँ मैं ब्रोकली से स्टार्ट कर रही हूँ और एक एक करके सारी सब्जियाँ इसमें डाल देंगे। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, जैसे कि अभी पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च और बेबी कॉर्न की जगह पर आप स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, अगर आपके घर में थोड़ी थोड़ी सब्जियां रह जाती हैं तो उनको यूज़ करने का। कभी कभी हम सोचते हैं कि इतनी थोड़ी थोड़ी सब्जियों का क्या करें, तो उस टाइम पर आप ये सूप बनाकर पी सकते हैं। तो यहाँ मैंने सब्जियाँ डाल दी हैं। अब मैं डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद हम इसको सौटे करेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इन सब्जियों को पकाएंगे 2 मिनट तक मीडियम टू हाई हीट पर, ताकि इनके अंदर एक अच्छा क्रंची फ्लेवर आए। अच्छे से चलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमारे बच्चे जो होते हैं वो उनको सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो उस केस में भी आप ये बनाकर उनको दे सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब आपके घर में पार्टी हो या कोई भी गेट टुगेदर हो तो उसमें भी आप एज ए स्टार्टर इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं चलाते हुए सब्जियों को अच्छे से पका लेती हूँ। मिक्स वेज सूप की खासियत यही है दोस्तों कि इसमें आपको कोई पर्टिकुलर सब्जी ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर सब्जी डालनी है, आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप उसका इसमें यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट रेडिश के, क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और वो अगर आप थोड़ी सी भी डालते हैं अपनी सब्जी में या सूप में तो वो पूरा का पूरा अपना फ्लेवर रिलीज़ करके सारा जो भी आपके सूप में फिर फ्लेवर आएगा वो सिर्फ रेडिश का ही आएगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप रेडिश को यूज़ ना कीजिएगा। लगभग 2 मिनट हो गया है सब्जियों को पकाते पकाते और सब्जियां थोड़ी सी टेंडर यानी कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इस स्टेज पर हम डाल देते हैं इसमें पानी। तो यहाँ दोस्तों इतनी सब्जियों के लिए मैं डाल रही हूँ 1 लीटर पानी। मैंने 1 कप से मेज़र कर रखा था और मैं यहाँ पर 1 लीटर पानी का यूज़ कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे और इसमें 1 उबाल आने का हम वेट करेंगे, उसके बाद बॉईल करना इजी होगा सूप को। तो अभी हमने फ्लेम को हाई कर दिया है बिल्कुल और हम वेट कर रहे हैं कि 1 बॉईल इसमें आ जाए। ये जो सूप है दोस्तों इतनी क्वांटिटी का 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद है तो 2 से 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो आप नंबर ऑफ़ पर्सन के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बॉयल आ चुका है। मैं फ्लेम को इस जगह पर बिल्कुल कम कर देती हूँ, यानी कि लो टू मीडियम के बीच में रखते हैं। और अब हमको सूप को पकाना है काफ़ी अच्छे से 10 से 15 मिनट तक। इस जगह पे मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ तेज पत्ते को, क्योंकि अगर ये ज़्यादा रहा तो सूप का जो कलर है वो बिल्कुल काला हो जाएगा। तो अब फ्लेम को कर दिया है लो टू मीडियम के बीच में और हम ढककर इसे पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये बॉईल हो रहा है। 10 मिनट बाद मैंने इसको हटाया कवर को और उसके बाद देखिए ये इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। इस जगह पे अब हम डाल देंगे इसमें जो हरा वाला पार्ट था स्प्रिंग अनियन का वो, और इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़े से धनिया पत्ती। ये हमने स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं डाले थे क्योंकि ये ओवर कुक हो जाते और मुँह में ये चुभते। अब हमने इसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। आपको अगर ये कम पसंद है तो इसे आधा छोटी चम्मच ही डालिए। एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। 1 मिनट तक और पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो धनिया पत्ती के फ्लेवर्स हैं वो रिलीज़ हो सकें आराम से। और अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी, यानी कि जो हमने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाया था। जो बात ध्यान रखने वाली है इस जगह फ्रेंड्स वो ये है कि आपको इसे बॉइलिंग सूप में ही डालना है, यानी कि सूप उबलता होना चाहिए। और इसे एक साथ ना डालिए, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाइए और डालते जाइए, वरना जो कॉर्नफ्लावर है वो नीचे जाकर बैठ जाएगा और बहुत बड़े लम्स इसमें बन जाएंगे। थोड़ी देर तक मैं इसे मिला रही हूँ और इसके बाद हमें इसे पकाना है लगभग 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो सूप है वो गाढ़ा होना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस सूप का प्योरे नहीं बनाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ कॉर्नफ्लावर को यूज़ किया है। अगर हम जिन सूप में प्योरी बनाते हैं उनमें हम कोई और सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमने 1 लीटर पानी लिया था फ्रेंड्स यहाँ पर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम 1 लीटर पानी ले रहे हैं, वो लगभग रिड्यूस होकर आधा लीटर रह गया है। तो मैं इसको बीच में चलाते हुए पका ले रही हूँ ढंग से। अब इसमें डाल देते हैं हम शुगर, ताकि जो भी हमने काली मिर्च डाली है और जो भी सब्जियों के फ्लेवर हैं वो आपस में बैलेंस हो सकें। अगर आपको खट्टा फ्लेवर पसंद है तो यहाँ पर या तो आप 1 या 2 बड़ा चम्मच नींबू या फिर विनेगर का यूज़ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं है पसंद इसलिए मैंने उसे नहीं डाला है। इसके बाद जैसे ही सूप गाढ़ा होना स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, उसमें आप ये देखिएगा कि आपको कितना पतला सूप पसंद है। जितना भी हो आप उस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं रेड चिली फ्लेक्स, जो को डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने सिर्फ अच्छे प्रेजेंटेशन के पर्पज़ से इसको यहाँ पर डाला है। तो देखिए सूप गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम चलेंगे इसको ट्रांसफ़र करने सूप बोल में। तो यहाँ पर मैंने ये सूप बोल ले लिया है और देखिए मुझे इतनी ही थिकनेस का सूप पसंद है। मुझे इतना ही गाढ़ा सूप पसंद है तो मैंने इतना ही गाढ़ा रखा है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों ये सूप, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को ज़रूर पिलाइए, इन सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारी हेल्दी और सीजनल वेजिटेबल यूज़ करी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों की हेल्थ के लिए। तो लीजिए फ्रेंड, सूप बनकर तैयार है, बिल्कुल इसे सर्व कीजिए। इसमें किसी तरह की गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है, ना ही क्रीम की, ना ही किसी और चीज़ की। तो चलते हैं इसको कंज्यूम करने, क्योंकि अगर सूप ठंडा हो गया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलेंगे एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।